पंजाब दे सरकारी कालजां विच पक्कियां सैक्शन गैस्ट फैकल्टी सहायक प्रोफेसर ने मंग पत्र दिता सुखवीर बादल नूं। सुखवीर बादल ने भरोसा दिता कि आउण वाले समय सरकार आउण ते पहल दे आधार ते पक्के करांगे। पंजाब दे सरकारी कालजां विच पक्कियां सैक्शन पोस्टां ते काम करदे 906 गैस्ट फैकल्टी सहायक प्रोफेसरां दीआं समस्यावां दा मेमोरेंडम पटियाला विखे श्रोमणी अकाली दल वल्लों करवाए गए समागम दौरान श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान सुखवीर सिंह बादल नूं दिता गया। इस मौके पत्रकारां नाल गलबात करदिआं हुकम चंद ने कहा कि पिछले 15 सालां तों कालजां विच बतौर प्रोफेसर बच्चिआं नूं पढ़ा रहे हां, पर मौजूदा सरकार सानूं इन्हां पोस्टां तों उतार के नवीं भर्ती करन जा रही है अते सानूं बाहर कर दित्ता जावेगा। उन्हां कहा कि पंजाब सरकार घर घर नौकरी दे वादे कर रही है अते अपने चहेतिआं नूं नौकरियां दे रही है। उन्हां कहा कि अगर साडीआं मंगां ना मन्नीआं गईआं तां आउण वालीआं चोणां विच नतीजे सब दे सामणे आउणगे। मैं प्रोफेसर हुकम चंद, गैस्ट फैकल्टी सहायक प्रोफेसर एसोसीएशन पंजाब, असी महिंद्रा कॉलेज तो है। असी पिछले 15-20 सालों तो पंजाब के सरकारी कॉलेजों के विच एज आ असिस्टेंट प्रोफेसर गैस्ट फैकल्टी पढ़ा रहे हैं। तो हुण सरकार ने की किया, जिहड़ा 19-10-2021 एक जिहड़ी एडवरटाइजमेंट दे के जिन्हां पोस्टां ते असी पिछले लंबे समय तो काम कर रहे हैं, तुहानूं दस्सिया 15-20 सालों तो काम कर रहे हैं, साडे विरुद्ध जिहड़ी एडवरटाइजमेंट दे के जिन्हां ते असी काम कर रहे हैं, सानूं जिहड़ियां उह पोस्टां तो उतार के नवीं भर्ती करन दी तैयारी करी बैठी है सरकार। तो सरकार बड़ी तेजी नाल प्रोसैस चलाया होया, तो वो सरकार जे वो पोस्टां दे उत्ते सरकार नवीं भर्ती करती है तो नैचुरल है कि असी जिहड़े लोग बाहर हो जाएंगे। असी सरकार नूं ये कहना चाहते हैं कि असी लोग जिहड़े काम कर रहे हैं, पहला सानू सरकार जिहड़ी घर घर जिहड़ा रुजगार का जिहड़ा नारा ला के आई सीगी, तो घर घर रुजगार का नारा लाँदी हुई सरकार जो आई है, तो हुण ये जिहड़े लगे हुए जिहड़े 15-15-20-20 सालों तो काम कर रहे हैं उन्होंने बाहर कढ के जिहड़े अपने जिहड़े चहेते कह लो जां अपने यूथ नूं उन्होंने नौकरी देने की गल कर रही है। तो सानू कह रहे हैं कि तुसीं जिहड़े पेपर दे के दुबारा कंपीट करके कहिंदे वी इह पोस्टां दे उत्ते आओ। असी सरकार नूं पुछणा चाहुंदे हां कि जदों असी आए सी अज तों 15-20 साल, एक सरकारी अदारे दे विच कोई भी बंदा आंदा है छोटी तों छोटी पोस्ट ते तां वी ओह एलीजिबल हुंदा है, तां ही उहनूं रख्या जांदा है। असी तां ए क्लास गजटड पोस्ट दे उत्ते सानूं रख्या गया, 15 साल कम्म लै लिया सरकार ने, तो हुण सरकार कहिंदे तुसीं एलीजिबल नहीं है, तुसीं ये नहीं है, तुसीं वो नहीं है, तो तुसीं हुण जिहड़े दोबारा तो नवे यूथ दे नाल कंपीट करके पेपर दे के आओ। असी सरकार नूं पुछना चाहते हैं, असी सवाल थोड़े मीडिया भाईचारे राही पुछना चाहते हैं सरकार नूं, प्रगट सिंह जी नूं पुछना चाहते हैं, हायर एजुकेशन मिनिस्टर है जिहड़े, उन्होंने पुछना है कि तुसी ओलंपियन हो, जे असी अज तुहानूं कहीए कि तुसी नवे यूथ नाल दोबारा तो कंपीट करके ओलंपिक मैडल जिहड़ा जितो, कि ये पॉसीबल है? असी सिक्ख्या सकत्तर कृष्ण कुमार नूं पुछना चाहते हैं, वो सानूं कहिंदे नवे यूथ नाल पेपर दो, कि तुहानूं जे अज कहीए कि नवे यूथ दे नाल तुसी IAS दा पेपर दोबारा दो कंपीट करो, कि तुसी आ जाओगे? सो ये सरकार दीआं जिहड़ियां लॉलीपॉप वालीआं गल्लां, लारेबाजी दीआं गल्लां, असी हर बार जाणदे आ सानूं मिठियां गोलियां दे के तोरिया जा रहा है, ये तुहानूं असी बाहर नहीं कढ़दे, पर सरकार एक पासे जिहड़ा सानूं बाहर कढ़न दी तैयारी कढ़ी बैठे, तो नाल दी नाल जिहड़ियां तेजी नाल प्रोसैस किया होया इन्हां ने भर्तियां कर रहे हैं। तो दूजे पासे माणयोग हाई कोर्ट ने जिहड़ा 3 तरीक नूं ये जिहड़ियां पोस्टां ने एडवर्टाइज़ कीतियां उहदे उत्ते स्टे भी कर दित्ती है उहनां दे टोटल प्रोसैस दे उत्ते, बट फिर भी पता नहीं इहनां दा की उहदे विच अपना मंतव है, ते उह कृष्ण कुमार जी लगातार उहनां दे उत्ते भर्ती जिहड़ी करन लगे होए ने। सो सरकार नूं साडी बेनती है कि जे सरकार ने साडी मंग जिहड़ी है ना मन्नी तां पूरे पंजाब दे 48 कॉलेज जिहड़े बंद पए ने, ते आने वाले दिनों दे विच साडे नाल भरातरी जथेबंदियां BKU ओग्राहां स्टूडेंट जथेबंदियां भरातरी जथेबंदियां असीं उन्हां सारे नूं नाल लैके आने वाले दिनों दे विच सरकार दी इट ते इट खड़का देंगे जे साडियां मंगां ना मन्नियां। ते आने वाले 2022 दे चोणां दे विच असी घर घर जाके पिंड पिंड जाके प्रचार करांगे, दसांगे सरकार ये लॉलीपॉप सरकार है, सरकार ये किसी नूं कुछ नहीं दे रही, ये लगे होयां नूं भी बाहर कढ़न की तैयारी करी बैठी है, तो पूरा इन्हां दा जिहड़ा फिर पोल खोल रैलियां करांगे जे सरकार ने साडियां डिमांड ना मन्नियां। असी गैसट फैकल्टी प्रोफेसर है, 906 गैसट परिवार है, असी 15-15-20-20 सालों तो कॉलेजिज पढ़ा रहे हैं, 48 कॉलेज है पंजाब के, हूँ सरकार ने नवी पोस्टा कढ़ के सानू बाहर का रस्ता दिखाता है, असी इन्ने सालों तो जॉब कर रहे हैं, तो हूँ नवी असी 35-36 दिन हो गए स्ट्राइक पर बैठे, एक भी सरकार का नुमाइंदा साढ़े तो पूछ नहीं आया,
सुखबीर सिंह बादल ने सानू पूरा आश्वासन दिता कि साड़ी सरकार आने असी तुहानू नाल दी नाल पहल दे आधार ते पक्का करांगे, जबकि चन्नी सरकार दे असी किन्नी वारी गेड़े कट ले, उन्होंने साड़ी एक बार खड़ के गलबात भी नहीं सुनी भी तुसी आए किस वास्ते हो, असी ओह दीवार दे उत्ते बैठ के दो दिन आ गए, साड़ी एक बार भी नहीं गल सुनन आए हैगे, पर सुखबीर बादल ने साडे कोल खड़ के सानू पूरा आश्वासन दिता कि साड़ी नौकरी आंदे सार ही उन्होंने पक्की कर देनी है। सर सानू अज 39 दिन हो गए ने साडा संघर्ष चलता आ रहा है, तो असी कॉन्टीन्यूसली संघर्ष से बैठे हाँ, पर सानू कोई भी नहीं पूछन आ रहा, ना कोई सानू आश्वासन दे रहा कि आके असी तुहाडी मदद करांगे, या कुछ सानू बाहर दा रस्ता दिखाया जा रहा है, असी कोई इत्थे पागल नहीं बैठे, असी अपने आप कब्जे नहीं किए हैगे कॉलेजां दे विच आके, असी प्रोपर चैनल के थ्रू आए हैं जो होंगे ने, पर साडी सुनवाई किते भी नहीं हैगी। असीं सब नूं मिल चुके हाँ जी, सी एम चन्नी साहब तो लै के प्रगट सिंह सिक्ख्या सकत्तर विजेंद्र सिंगला जी, जिन्हें भी गुरजीत कोटली साहब, रंधावा साहब और अपना जड़ा है विजेंद्र सिंगला जी, सब नूं मिल चुके हैं, सब ने सानू जड़ा है आश्वासन दिता है, प्रगट सिंह दे कोल किन्नी वारी साडियां मीटिंग्स हो चुकियां ने, पर एक्चुअली दे विच काम नहीं हो रहा, लॉलीपॉप ला रहे तो बहुत दे रहे ने ओ कि थोड़ा कर दांगे, थोनू बाहर नहीं कढ़ांगे, थोड़ा कुछ नहीं असी करदे, पर रियलिटी दे विच नहीं, असी कहने कि चलो ठीक है मान लैने तुसी सानू बाहर नहीं कढ़दे, असी थोड़ी गल ते यकीन कर लैने पर तुसी सानू रिटर्न च दे दो, रिटर्न च देन तो सरकार जिहड़ी है ओह साडे तों भज रही है, ओहदा मतलब ये है कि सिर्फ सानू लॉलीपॉप वंडे जा रहे ने और ओह लॉलीपॉप लैके असी सैटिस्फाइड जिहड़ा है ओह नहीं हाँ। उन्होंने सानू पूरी तरह आश्वासन दिता है कि पहली गल तो तुहाडे नाल सरकार नूं असीं धक्का करन नहीं दिंदे, इनकेस जे सरकार साडे नाल धक्का कर भी जाती है जदों उन्हां दी सरकार आएगी सानू इज्जत दे नाल सानू साडी वापसी नौकरियां दिवाणगे। सर सब तो पहली गल तो असी जॉब सिक्योरिटी मंगते हाँ, तो एक रिस्पेक्टेबल जिहड़ी साडी सैलरी है जिहड़ी सानू ट्रेजरी चो दित्ती जावे ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਸਿਕ ਜੋ ਸੈਲਰੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ 5100 ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੈਜਰੀ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 906 ਪਰਿਵਾਰ ਹਾਂ ਸਭ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋਬ ਹੈ ਉਹ ਸਿਕਿਓਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ 15-15-20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜਿਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇੰਨੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਸੈਲਰੀਜ਼ 'ਤੇ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਲਜਿਸ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਜਦੋਂ 3-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ 4-4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਕੰਮ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਫਿਸਰ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੋਈ IAS ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ PCS, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਕਈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਕਿਓਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਟੀਚਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਕਿਓਰ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਵਨ ਦੋ ਸਾਡੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਸ ਵੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਾਲਜ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਤੇ, ਨਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾਤੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਘਰ ਘਰ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੀਵਾਰ 'ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗਵਾਹ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਏ ਕਲਾਸ ਆਫਿਸਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਅਤੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਚੰਨੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਵੀ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਦਿਹਾੜੀਆਂ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਟਕਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, 39 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਆ, ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਬੋਲਬਾਣੀ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਾਂਗੇ, ਲਿਖਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਡਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ 8-8, 9-9 15-15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੁਹਾਣਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਰੋਣਾ ਕਢਾ ਰੱਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਸ ਲੈ ਕੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੁਰਝਾਏ ਹੋਏ ਘਰ ਵੜਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਪੜ੍ਹਾਏ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਕੁਛ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਯੂਥ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਰਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਨੇ।